इवनिंग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह होगा भारत के प्रमुख दर्रे, जिनसे जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई सा भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन है आपके पास खेबर, बोलन, काराकोरम या फिर शिपकी। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, यह क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए फटाफट। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेबर दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, खेबर जो खेबर दर्रा है उससे ही आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। आइए देखते हैं। खेबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा दर्रा, ठीक है, कौन सा दर्रा पूछा है, ठीक है, कौन सा दर्रा भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? खेबर दर्रा, जो कि भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई सोपनों को चढ़ा हुआ आज इस स्तर तक पहुँचा है। इसी मार्ग द्वारा पहुँच पर पंजाब में ऋग्वेद की रचना हुई थी। क्या हुआ था? पंजाब में ऋग्वेद की क्या हुई थी? रचना हुई थी। कौन से दर्रे से? तो खेबर दर्रे से। और खेबर दर्रा क्या है? तो खेबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। ऑप्शन है आपके पास शिपकीला, जोजीला, नाथूला या फिर जेलेपला। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट सेक्शन में बताइए। हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वह है शिपकी। कौन सा आएगा? शिपकीला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अब देखो इसके दो नाम हो गए, शिपकीला या फिर आप शिपकी दर्रा कह लो, दोनों एक ही बात है। तो शिपकी दर्रा हिमाचल या कहा जाए हिमालय, सॉरी, हिमालय के एक प्रमुख दर्रा है। क्या है? हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को, कौन सा हिमाचल जो प्रदेश है इसका किन्नौर जिला है, उसके तिब्बत के नगरी विभाग से जांदा जिले से जोड़ता है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि जो शिपकी दर्रा है यह कहाँ का है, तो हिमाचल या हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। अगला है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रों को दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास पीर पंजाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर शिपकीला दर्रा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, यानी कि कौन से दर्रे का नाम है जवाहर सुरंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो कौन सा दर्रा है बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि बनिहाल दर्रा, जो कि जवाहर सुरंग नाम प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NHA इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के मध्य से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। किसको भारत से जोड़ता है? कौन सा? तो जवाहर सुरंग, जो कि किसके माध्यम से? जम्मू के रास्ते को। ठीक है, कश्मीर की घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब क्या पूछा है? नहीं है पूछा गया। ठीक है, मतलब कि इसमें से तीन तो होंगे ही सही। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। अब देखते हैं कौन कौन से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या फिर पिपली घाट। कौन सा है जो पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब देखो, जो दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है, पहले वो देखते हैं। देखो, एक तो थार है, जो कि यह भी है, भोर घाट भी है और पाल घाट भी। ये तीनों दर्रे जो है यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है, परंतु जो पिपली घाट है यह स्थित नहीं है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, परंतु थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। आइए देखते हैं अब इसके बारे में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतीय श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं।
जो पश्चिमी घाट में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसको एक तो पश्चिमी घाट भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है सह्याद्री कहते हैं। दो नाम है इसके, ढक्कन पठार के माध्यम या कहा जाए दक्षिण ढक्कन का जो पठार है इसके पश्चिमी किनारे, कौन सा जो पश्चिम का किनारा है उसके साथ साथ पर्वतीय श्रृंखला जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, किधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी है 1600 किलोमीटर लंबी। विश्व में जैविक की विविधता के लिए यह महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, किसके लिए जैविक की विविधता के लिए, इस दृष्टि से विश्व का इसका आठवां स्थान है, कौन सा स्थान है आठवां, किसका जैविक विविधता में कौन सा स्थान है आठवां। आगे देखेंगे यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी को समाप्त हो जाती है, कहाँ पर समाप्त होती है कन्याकुमारी में। पिपलीघाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, देखो अभी क्या था अपन ने, हमने तीन पढ़े थे परंतु पिपली का हमारा रॉन्ग था, अब देखो इसमें देखते हैं कहाँ पे स्थित है। तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, ऑप्शन है आपके पास पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी या फिर अरावली, कहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। आपको बताया पश्चिमी घाट में तो है ही नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन अभी आगे ही था जो कि रॉन्ग था, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से बी सी डी में से एक होगा, तो क्या होगा पिपलीघाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो पर्वतीय भाग का पूछा गया है तो आप क्या बताओगे अरावली, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि अरावली पिपलीघाट दर्रा अरावली में स्थित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, अजंता की गुफा कहाँ पर है महाराष्ट्र में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी है परंतु सबसे बड़ी है वह कहाँ पर है महाराष्ट्र में। भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना, कितनी चट्टानें 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के है, आपसे कहा जाए कि 29 चट्टान से कटकर कौन सी स्मारक या गुफाएं, तो आप क्या बताओगे बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रम एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए, यानी कि चित्र वहाँ पर जो चित्र कारीगरी जो होती है ना बनी हुई रहती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई है। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिला है। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगर आपसे कहा जाए कि अजंता की गुफा कहाँ है तो आप क्या होता है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, बाकी है कहाँ पर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जिला कौन सा है औरंगाबाद, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है जोजीला दर्रा जोड़ता है, ऑप्शन है आपके पास श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को या फिर अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। जोजीला दर्रा किसे जोड़ता है ऐसा पूछा गया है तो आप क्या बताओगे ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, किसे जोड़ता है, तो जोजीला दर्रा जो है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जोजीला दर्रा किसे जोड़ता है तो आप क्या बताओगे जोजीला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं इसके बारे में, जोजिला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है, यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आएगा हिमालय के अंतर्गत, कौन सी है जोजिला, अब कहाँ पर कौन श्रेणी में है तो जम्मू और कश्मीर के जास्कर श्रेणी में, ठीक है। आगे देखते हैं इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग जुड़ते हैं, कौन कौन से जुड़ते हैं श्रीनगर और लेह, ये सड़क मार्ग है जो कि जोड़ता है। जोजिले दर्रे पर भूस्खलन के कारण सड़क सिरकने का सदा डर बना रहता है, ठीक है, आपको यह रखना है कि श्रीनगर और लेह सड़क को कौन सड़क मार्ग कौन जोड़ता है तो जोजिला दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है, आपको पता है पश्चिम में है परंतु अब क्या बोल रहा है कि किन दो राज्यों को जोड़ता है, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या फिर कर्नाटक और केरल, किसे जोड़ता है पालघाट दर्रा। तो आप देखो जोड़ने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कौन कौन सा जोड़ता है, अभी तक ऐसा नहीं आता है कि यह कहाँ पर स्थित है, परंतु ये ज़रूर पूछता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा, मतलब कि ये देखो एक क्वेश्चन यही होगा कि पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, अभी हमने आगे और क्वेश्चन देखे तो इस तरीके से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है वो, तो क्या हैगा पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब। देखो अब जो पालघाट है ना यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है तो आपका सही जवाब होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक सबसे बड़ा दर्रा है, किसका पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी का, ठीक है।
आगे देखेंगे, यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। यह दर्रा दक्षिणी भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। आपसे कहा जाए कि पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? यह दर्रा दक्षिणी भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? अब देखो देश हो गया आएगा, भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन है आपके पास चीन, म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान। तूजू दर्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी आपके लिए, किसको जोड़ता है तूजू दर्रा? म्यांमार को। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार को। तूजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तूजू दर्रा मणिपुर के दक्षिणी पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर का जो दक्षिणी पूर्व है उसमें म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर? नाथुला दर्रा, क्या बताओगे आप? नाथुला दर्रा कहाँ पर है? हाँ, सिक्किम राज्य में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है। देखो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, नाथुला कहाँ पर? हिमाचल, जो हिमालय है इसका एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत को सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत कि जो चुंबी घाटी है इसको जोड़ता है। कौन सी घाटी को? चुंबी घाटी को। आपसे पूछा जाए कि सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत कौन सी घाटी को जोड़ते हैं, तो आपके बताओगे चुंबी घाटी को जोड़ते हैं। ठीक है, यह 28,200 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 28,200 फीट की इसकी ऊंचाई है। भारत और चीन के बीच 1662 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि यह जो चुंबी घाटी है इसको कब बंद किया गया, किसके युद्ध, तो आप क्या बताओगे? भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था कब, 1962 में, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।